चालू किया जाए। जेएनयू में तो अपने यहाँ बहुत नंबर रख दिया है लोगों को, जी सर। 80 से ऊपर 43 स्टूडेंट है अपने। जी सर चालू किया ना सर, कहे हाँ ग्रेजुएशन कब किया सर? 2007 में। विषय क्या था सर? दर्शन शास्त्र, इतिहास और शिक्षा शास्त्र था। कहाँ से किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शनल क्या है? दर्शन शास्त्र। हॉबी? डायरी लिखना सर। लिबरलाइजेशन के युग में, उदारीकरण के युग में क्या दर्शन शास्त्र की उपयोगिता है? सर दर्शन शास्त्र का अगर परिभाषा देखा जाए तो किसी भी चीज में इसका तार्किक चिंतन, तो उदारीकरण है, इसका क्या प्रभाव है, इसका सकारात्मक नकारात्मक क्या प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं सर दर्शन द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है सर। जैसे समाज पे क्या प्रभाव है, बाजार पे क्या प्रभाव है, किसानों पे क्या प्रभाव है, तो सर इसमें दर्शन की भूमिका है सर। मतलब दर्शन के तार्किक पक्ष का हम उपयोग कर सकते हैं। जी सर। अच्छा अच्छा लेकिन जो भी दर्शन हम जिसको हम पढ़ते हैं उसमें अधिकतर दर्शन जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, और जिसका मॉडर्नाइजेशन में या जो बदलता परिवेश है उसमें बहुत ज्यादा उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। सर दर्शन की शुरुआत सर मतलब एक धार्मिक तत्व के रूप में तो हुई थी, लेकिन इसका क्षेत्र बढ़ते बढ़ते बहुत बृहद हो गया और इसमें सभी क्षेत्र समाहित है, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे ज्योग्राफी हो या इतिहास हो, सबका मूल्यांकन दर्शन ही करता है। और सर और धर्म में जो भी जो उदारीकरण का शुरुआत का उसमें जो भी मतलब समस्याएं थी, जैसे धर्म के साथ समस्याएं थी, जैसे माना जाता था कि समुद्र के मतलब उत्तर व्यापार करना गलत है, तो कहीं ना कहीं दर्शन बताया कि ये गलत नहीं। और धर्म में जो भी आडंबर थे या जो भी परंपरागत चीजें थी जो हमारे तर्क और विज्ञान को रोक रही थी, वो दर्शन ने उसका निदान प्रस्तुत किया। तो उस रूप में भी सर दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है सर। दर्शन शास्त्र विज्ञान से कैसे अंतर संबंध रखता है? सर दर्शन हर विषय का जननी अम्मा कहा जाता है, तो जो विज्ञान में जो भी सिद्धांत आते हैं तो कहीं ना कहीं पहले दर्शन में आते हैं। जब वो सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पे सिद्ध कर दिया जाता है तो सर वो विज्ञान कहा जाता है। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सर बहुत पहले ह्यूम महोदय एक अनुभववादी दार्शनिक है, उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हम पृथ्वी से कोई वस्तु बाहर फेंकेंगे तो हो सकता है पृथ्वी पे लौट कर ना आए, तो उस समय एक दार्शनिक सिद्धांत था। लेकिन बाद में जब पलायन वेग का सिद्धांत आया तो इसने सिद्ध कर दिया कि हम पलायन वेग से जो भी वस्तु बाहर फेंकते हैं वो पृथ्वी पे लौट कर नहीं आती, अंतरिक्ष में चली जाती है। यूक्लिड का दर्शन सुना है? जी सर। उपयोग है, क्या क्या उपयोग हो रहा है आज उनके दर्शन का? सर यूक्लिड का दर्शन का उपयोग सर मैथ के क्षेत्र में होता है सर। सर एग्जैक्ट जैसे ज्यामिति के क्षेत्र में कहा जाता है सर, लेकिन सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है सॉरी सर। अच्छा पाइथागोरस का जो दर्शन है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सर पाइथागोरस प्राचीन कालीन दार्शनिक थे, उन्होंने त्रिभुज जो जो त्रिभुज में एक सिद्धांत दिया, मतलब आधार और आधार का और लंब का स्क्वायर कर्ण के बराबर होता है। सर ये भारत में इसका प्रभाव देखा गया, क्योंकि सर जो भवन निर्माण होती थी, जो यज्ञ वेदीशालाएं बनती थी, कहीं ना कहीं सर इसका उपयोग किया जाता था सर। जो भारतीय छह दर्शन है प्राचीन दर्शन, जी से कुछ दर्शन को कहा था एक दूसरे का प्रतिरूप, कौन कौन दर्शन है एक दूसरे का प्रतिरूप? सर योग सर सांख्य के साथ योग आते हैं और न्याय के साथ वैशेषिक,
और मीमांसा के साथ वेदांत आते हैं। ठीक है, तो सांख्य और योग दर्शन में दो तीन समानता बताइए। सर जहां सांख्य ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो वहां योग कहीं ना कहीं सर वो तत्व मतलब मोक्ष पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, इस सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में प्रकृति पर चर्चा है जी ना? जी, दोनों में प्रकृति एक रूप में है या अलग अलग? सर प्रकृति दोनों में मैं जहां तक मतलब मुझे नॉलेज है सर एक ही है सर, प्रकृति का सिद्धांत दोनों में समान है। और पुरुष? सर पुरुष एक है उसमें। चाहिए अष्टांग योग जो है जी, अष्टांग योग में क्या आठ जो जो अष्टांग योग का जो भाग है आठ कौन कौन सा है? सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। इसमें से व्यवहारिक उपयोग किनका किनका हो पाता है? सर आसन का उपयोग होता है, ध्यान का उपयोग होता है, और सर 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 प्राणायाम का उपयोग होता है। अच्छा, ये पंच क्लेश सुना है? जी सर। क्या होता है पंच क्लेश? सर योग दर्शन का एक सिद्धांत है सर, एग्जैक्ट मतलब ये हमारा मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है, लेकिन सर ये ध्यान नहीं कि पांचों क्लेश का नाम सर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? जी सर। इलाहाबाद नेहरू जी की जन्मस्थली रही है और उनकी कर्मस्थली भी रही है, उन्होंने बहुत उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलाहाबाद में ही थी। कहां से वो लड़ते थे इलेक्शन? सर क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया सर, कृपया करके सर एक बार फिर क्वेश्चन को दोहराएं। मतलब इलाहाबाद में नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या नाम था, कहां से वो लड़ते थे इलेक्शन? सर फूलपुर क्षेत्र से। फूलपुर से तो उन्होंने जितने बार वहां से इलेक्शन लड़ा था हर बार जीता था, एक बार हारे थे? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, नेहरू जी ने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अपना अनुभव या उसको दर्शन कह लीजिए, नेहरू जी का फिलोसफी था वो, नेहरू जी के फिलोसफी को अगर कम से कम शब्द में बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे? पर उनका दर्शन एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक दर्शन था जो भारत के सामाजिक आर्थिक और वैज्ञानिक उत्थान उत्थान के संदर्भ में दृष्टिकोण रखता था। और कुछ बताइए सर। जैसे सर उन्होंने विज्ञान को महत्व दिया अपने दर्शन में और उन्होंने मानवतावाद का समर्थन किया, साथ ही साथ सर उन्होंने उनके दर्शन का आधार सर धर्म में जो भी कुछ प्रवृत्तियां थी उससे दूर, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी इस चीज देखी जाती है सर, और उन्होंने जो भी पिछड़े वर्ग थे उनके अधिकारों की बात की जो संविधान देखने को मिलता है। अच्छा, इलाहाबाद धर्म की भी नगरी है? जी सर। कुंभ लगता है इलाहाबाद में? जी सर। तो कभी कभी कुंभ लगता है कभी महाकुंभ लगता है, तो कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन सर अगर आपकी इजाजत से अनुमान कर सकते। हाँ बताइए। सर जो 12 साल पे लगता है तो शायद उसको महाकुंभ बोलते हैं। ठीक है। और जो 6 साल पे लगता है उसको कुंभ कहते हैं। 4 साल पे कहाँ कहाँ लगता है यहाँ कुंभ? थैंक यू। प्रश्न सुना आपने, कहाँ कहाँ लगता है कुंभ भारत में? सर भारत में 4 जगह कुंभ लगता है। कहाँ कहाँ? सर महाराष्ट्र में नासिक में, और मध्य प्रदेश उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे, और सर नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद में संगम जहाँ गंगा यमुना का मिलन होता है वहाँ। अच्छा,
आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी स्नान किए कि नहीं वहां? जी सर गए थे। कहा जाता है कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है वहां पर, तो सरस्वती नदी वाकई आके मिलती है वहां? सर प्रत्यक्ष तो उसका उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि ये दोनों नदी के नीचे एक नदी और बहती है जिसे मतलब सरस्वती के रूप में जाना जाता है सर वहाँ, लेकिन सर प्रत्यक्ष उसको मतलब सरस्वती देखने को नहीं मिलती। आप इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज कर दिया गया शायद? जी सर। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है लॉजिक? आप तो फिलोसफी के भी स्टूडेंट हैं, कितना सर, कितना उपयुक्त है सरकार का यह कदम कि जगहों का नाम बदला जा रहा है? सर इलाहाबाद का ऐतिहासिक नाम प्रयागराज ही था और इसका मुगल काल में बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था अकबर के सामने, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये जन भावनाओं का से जुड़ा हुआ था और सर लोकतांत्रिक सरकार का एक दृष्टिकोण जन जन के जनता के प्रति भावना होती है, तो कहीं ना कहीं सर जन भावना को देखते हुए सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। दूसरा है कि सर धार्मिक रूप से प्रयागराज ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि हमारे जितने भी मतलब धर्म स्थल है उसमें उसको राजा की संज्ञा दी गई, इस रूप में भी सर प्रयागराज हमें लगता है उचित था सरकार का कदम। क्या अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन से एक जासूसी जो कुछ पत्रकार राजनीतिक और विपक्षी नेताओं का जो किया गया है वो काफी चर्चा में है, पता है आपको? पेगासस मालवेयर नाम का कोई कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर है शायद, क्या है पेगासस? क्या है सर पेगासस? एक सॉफ्टवेयर है जो इजराइल से मतलब कोई भी सरकार खरीद कर अपने मतलब जो भी देश के प्रति कोई विद्वेष या नफरत फैलाता है उनके उनके खिलाफ उपयोग करती है, लेकिन सर हाल में भारतीय चर्चा देखा गया। किस देश का ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सुरक्षा के तहत ये उपयोग में लाया गया है, किस देश का ये सॉफ्टवेयर है, कहां से? हाँ हाँ ठीक है, इजराइल का। क्या है इसका अभी भारत में जो चर्चा में है, क्या कारण है इसका? सर ऐसा मतलब कुछ माना जा रहा है कि भारत में भी सरकार ने इसका उपयोग पत्रकार और विपक्षी जो भी मतलब नेता है उनके खिलाफ किया है, लेकिन ये सर एक संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन सर इसमें निश्चितता क्या है और सर एक जांच के बाद ही पता चलेगा और सरकार अभी तक इस चीज को नकारती रही है, तो मेरा मानना है कि सरकार का कदम सही मतलब सही हो सकता है सर, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक सरकार का कोई स्टैंड सामने आया है अभी तक? सर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बयान दिए थे कि ऐसा भारत में मतलब कोई चीज उपयोग नहीं किया गया सर, आज से दो या तीन दिन पहले शायद उनका एक बयान था सर, और लेकिन सर इस पे सर मैंने एक अच्छा आपने हॉबी दिया डायरी लिखना। जी सर सही में लिखते हैं? जी कल क्या लिखा था सर? कल मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा था सर, मेरे यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने बारिश के बारे में लिखा था कि मतलब बारिश के कारण जो भी हमारे यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैंने लिखा था कि जे ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव है सर, इस पे मैंने लिखा था सर। कब से लिख रहे हैं सर? मैं डायरी मतलब मैं सर ग्रेजुएशन के बाद से लिखना शुरू कर दिया था सर, लेकिन सर पहले मैं अनौपचारिक तरीके से लिखता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं औपचारिक तरीके से डायरी लिखना करता हूँ सर। अच्छा डायरी लिखने से आपको क्या क्या फायदा हुआ? सर इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर मैं अपने भावनाओं को खुद व्यक्त करता हूँ कर देता हूँ अपने डायरी के माध्यम से। दूसरा ये है कि कभी कभी डायरी लेखन में अपना खुद का मूल्यांकन हो जाता है। डायरी लेखन का आपके प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? सर प्रशासन में सर डायरी लेखन का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, जैसे सर जैसे मैं अपने मतलब जो भी ये कला होगा उसको कहीं ना कहीं मैं डायरी के माध्यम से लिखूंगा, इससे मुझे एक तो खुद को अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, दूसरा ये है कि मुझे ये पता चलेगा मैंने आज क्या किया अगले दिन मुझे क्या करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो उसको पूरा करने के लिए मुझे खुद प्रेरित होगा,
और तीसरा ये है कि डायरी लिखने के माध्यम से कोई कई कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो जैसे मेरा जो भी तनाव होगा वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी, तो अगले दिन मुझे फिर नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, डायरी लेखन साहित्य की एक विधा भी मानी जाती है, हिंदी साहित्य में किनके द्वारा शुरुआत माना जाता है डायरी लेखन का? सर हिंदी साहित्य में सर डायरी लेखन का एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, लेकिन सर भारत में बहुत सारे डायरी लेखन किए गए हैं, लेकिन सर एग्जैक्ट नहीं पता कि पहली बार कहां से शुरुआत हुई। एन ए फ्रेंक का नाम आपने सुना है? एन ए फ्रेंक? जी सर। कैसे जुड़ी हुई है डायरी लेखन से? सर उन्होंने मतलब विश्व की सबसे प्रसिद्ध डायरी माना जाता है डायरी लेखन को। क्या नाम डायरी का? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। क्या है उसमें? सर उन्होंने जो नाजीवाद का जो भी मतलब विभत्स रूप था और उनकी जो अन्याय पत्ती थी उसको उन्होंने अपने डायरी के माध्यम से पूरे विश्व के समक्ष रखा था। आपको किसी महापुरुष का डायरी पढ़ने का मौका मिला है? नहीं सर। और अपने यहाँ भारत के मतलब डायरी राइटर में कौन कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं? सबसे पहले तो सर श्री गणेश विद्यार्थी जी की डायरी थी, और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जेल डायरी। एक डायरी पर एक बुक ही लिखी गई थी, द प्रिजनर्स डायरी, इनका है ये? सॉरी सर नहीं पता। एल के अडवाणी जी का है। थैंक यू सर। बहुत फेमस है ये बुक, प्रिजनर्स डायरी, ये बहुत फेमस किताब है आडवाणी जी का। थैंक यू सर। अच्छा, डायरी लिखना अच्छी हॉबी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जैसे बोली किसी भारतीय महापुरुष के बारे में, वो एक पढ़ लो, नहीं पढ़ लो तो किसी एक का हम ही डिनोट कर देंगे, उसको गांधी जी का ही बोल दो या उस पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। मोबाइल पर भी आप कुछ उसका अंश पढ़ लीजिएगा ना, तो वहाँ बोल सकते हैं कि सर मैंने फला व्यक्ति का किराड़ी का कुछ अंश पढ़ा है। थैंक यू सर। हो सकता है कंटेंट्स भी पूछे कि क्या कंटेंट्स था उसका, तो अगर आप कुछ पेज पर ही रहिएगा तो बता सकते हैं। एक महापुरुष का डायरी को का संक्षिप्त तैयार कर दो एक। दूसरा हमने पिछले बार बहुत सारे छात्रों को दिया था, हमने अधिकतर लोग साहित्य लेखन ये डायरी लेखन लिख रहे थे, ठीक है, तो उसमें स्टार्ट किया था धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, हमारे पास हम तो डायरी का देते हैं, तो मिला था डायरी का? नहीं सर नहीं मिल पाया था। पिछले बार दिया था डायरी लिखा? नहीं सर नहीं मिला था मुझे, आपके द्वारा वो चंपारण वाला बहुत अच्छा से मिला था। और ठीक है कोई बात नहीं, तो वो डायरी लेखन भेज देंगे, लेकिन कुछ कुछ महापुरुष का तैयार कर दो, और धीरेन्द्र वर्मा स्टार्ट किया उसके बाद एक लॉजिकल भी शेप है, तो हिंदी साहित्य की एक विधा है, बहुत ज्यादा नहीं, एक पेज में मामला खत्म, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है इसमें, क्या फायदा हुआ, तो जीवन अनुशासित हुआ, इस तरह से सेव किया जाएगा। बाकी दर्शन शास्त्र ठीक है, पिछले बार पहली बार पूछ रहे थे तो बहुत खराब स्थिति थी, इस बार ठीक लग रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम, ठीक है। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? सर 12 तारीख को है सर। चलो कोई बात नहीं, इस बार मेंस अच्छा हुआ तो फाइन। अच्छा सर मेंस भी दे रहा हूँ। मेंस भी दे रहा हूँ, ठीक 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 है सर, प्रणाम।